नमस्कार किसान भाई, राम क्लास से मैं प्रताप का बुलोशन में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ सोनालिका सीड्स तिल शेखर, यानी सोनालिका तिल्ली जो होती है जिसे तिल कहते हैं, कहीं तिलहन कहते हैं, कहीं कहीं पर तिल्ली बोलते हैं। इसकी बुआई किस महीने से किया जाता है, बीज मात्रा कितना होता है, पैदावार कितना देती है, कितने दिन में ये पूरी तरह से पककर तैयार होती है ये वेराइटी, इसकी कीमत क्या है बीज का और खेत कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं सोनालिका सीड्स तिल शेखर की, तो इसकी बुआई किसान भाई जो है जुलाई महीने से शुरू हो जाती है, यानी हल्की बारिश हो जाए तो एक बार जैसे बारिश हो गया तो हम जो है अपने खेत में बुआई कर सकते हैं, खेत पक जाए उसके बाद आप उसमें बुआई कर दें। अगर हम किसान भाई बात करते हैं बीज मात्रा की, यानी कितने जो है खेत में कितना बीज लगेगा, तो प्रति बिस्वा यानी 50 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से इसकी बुआई किया जाता है, यानी लगभग आप समझ लीजिए कि एक किलो का जो है बीघा होता है, यानी एक बीघे अगर बुआई करना चाहते हैं तो आपका जो बीज है एक किलो लगेगा। अगर हम पैदावार की बात करते हैं कि एक बीघा में जो है कितना पैदावार देता है, तो किसान भाई ये एक बीघा में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार है इसमें। अगर हम किसान भाई बात करते हैं ये वैरायटी कितने दिन की होती है, यानी पूरी तरह से पक करके तैयार होने की, तो ये 90 से लेकर 100 दिन की वैरायटी होती है जो पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं इस सीड्स की कीमत क्या है, जो सोनालिका सीड्स तिल शेखर है, तो इसका जो प्राइस है 250 रुपया किलो के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। अगर हम बात करें खेत का किस तरह से होना चाहिए, तो किसान भाई ये तिल जो है काफ़ी बढ़िया वैरायटी है जो कि कमज़ोर खेत है वहाँ पर भी ये उचित पैदावार देने में सक्षम होती है, बशर्ते किसान भाई जब हम बुआई करने लगे तो हमारा जो खेत है उसमें नमी होना चाहिए, फिर क्या है कि हमारी जो तिल है पूरी तरह से जमाव लेगी और बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन देगी। ये सोनालिका सीड्स तिल शेखर जो है काफ़ी किसान इसे पसंद करते हैं और काफ़ी किसान जो है इसकी बुआई करते हैं। तो किसान भाई क्या आप लोग भी इस तिल की बुआई कर रहे हैं या करने वाले हैं, और अगर कर भी रहे हैं किए हैं पहले तो किस तरह से आपका अनुभव रहा नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहता है तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।